हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोगों को अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स पे फालतू तरीके से स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को फैक्टराइजेशन का अगला वीडियो देने वाला हूँ। ठीक है, हमने जहाँ तक आपको पढ़ाया हुआ है ना, ठीक है, कॉमन लेने वाला, मैंने कॉमन लेकर के फैक्टराइज करने वाला पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। उस पर हल्का सवाल से लेकर के डिफिकल्ट क्वेश्चन तक मैंने आपको सारा बताया हुआ है। ठीक है, उससे आगे की बात हम आज करने वाले हैं। ओके, आज हम लोग फॉर्मूला बेस्ड है ना, हमने अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पीछे, ठीक है ना, या पढ़ेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इस पे बेस्ड जो फैक्टराइजेशन है ना वो हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्या करेंगे भाई, देखो सबसे पहले इस फॉर्मूला को समझते हैं। हमारे पास फॉर्मूला, हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है क्या, इससे अलजेब्रा का मान लो हम गुणा कर रहे हैं, अलजेब्रा का गुणा कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अगर हम आपसे बोले कि बताओ ए प्लस बी है ना और ये ए माइनस बी, ठीक है, इसको अगर हम गुणा करें तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई अलजेब्रा का, इससे करेंगे ए में गुणा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। ठीक है भाई, ए से करेंगे इसमें गुणा तो क्या आएगा, माइनस ए बी है ना, ए से करेंगे इसमें माइनस ए बी, बी प्लस बी से करेंगे ए में तो क्या आएगा, प्लस ए बी, और इसे इसमें करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल आउट हो गया, सही है, तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुम क्या देख रहे हो कि ये जो है ना इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब ये इसके बराबर है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो आज हम इसी फॉर्मूला पे, ठीक है, आज हम इस फॉर्मूला पे देखने वाले हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे 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 करेंगे। ठीक है, देखिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हमको देखो ये जो फॉर्मूला है इसकी खास बात क्या है कि a प्लस बी है ना भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्मूला का जो रिजल्ट है ना वो अपने आप में फैक्टराइज है, यही फॉर्मूला की खास बात है, मजा है। तो ना देखो दिस इंटू दिस, यहाँ पे दो टर्म है ना, और यहाँ पे इसका इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है, फैक्टर के फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका रिजल्ट जो है ना वो अपने आप में भी क्या है, फैक्टर है ना, फैक्टर के फॉर्म में है, तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। क्लियर है, ओके। अब देखो आपको ऐसा लिख दिया जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, अगर ए माइनस बी को, ए माइनस बी को पहले लिख दिया जाए और ए प्लस बी को पहले लिख दिया जाए, बाद में लिख दिया जाए, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कि मल्टीप्लीकेशन में टू प्लस थ्री करोगे क्या आएगा, सिक्स आएगा, और थ्री प्लस टू करोगे क्या आएगा, सिक्स आएगा, तो दिस इंटू दिस करो या दिस इंटू दिस करो, आंसर सेम आने वाला है, वैल्यू उसका सेम आने वाला है, समझ लो ना। इसको मैथमेटिक्स में कहते हैं क्या, कॉमिटेटिव लॉ, मल्टीप्लीकेशन के ऊपर लागू होता है। ठीक है, चलो तो ये बात आपको समझ में आ गया, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, कहाँ से आया कैसे आया। ठीक है, और कल मैंने आपको एक और भी बात बताया था कि मैं रात से पर्दा उठाऊंगा, आपको ये बताऊंगा कि भाई आइडेंटिटी में, ठीक है ना, और इक्वेशन में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है एलजेब्रिक आइडेंटिटी, पहले हम इसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फैक्टराइजेशन आ जाते हैं। ठीक है ना, देखो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी और इक्वेशन क्या होता है, जब दो पॉलिनोमियल बराबर होता है ना, ठीक है, अगर आपको एलजेब्रा के बेसिक्स में प्रॉब्लम है, एलजेब्रा का मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है अपने चैनल पे, जाकर के आप उसको देखिए। ठीक है, और कोई दिक्कत हो फिर आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। देखिए एक्स प्लस वन बराबर फाइव, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे ये एक इक्वेशन है, दो पॉलिनोमियल आपस में इक्वल तो इक्वेशन बोलेंगे। ओके, समझ में आ रहा मेरे भाई, देखो तो यहाँ पे एक्स का हम एक ही वैल्यू रख सकते हैं चार, एक्स के चार के अलावा कोई और वैल्यू रखेंगे ना तो एल एच एस आर जी एस बराबर नहीं आएगा, चार प्लस एक पाँच, यहाँ पे इसके अलावा कोई और वैल्यू रखो, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक्स का एक फिक्स वैल्यू है, वही इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमने जो यहाँ पे देखो ये भी अपने आप में एक इक्वेशन है, समथिंग इज इक्वल समथिंग, इट्स इक्वेशन। ठीक है, दो पॉलिनोमियल आपस में क्या है, इक्वल है, दो पॉलिनोमियल आपस में इक्वल है तो इक्वेशन हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि यहाँ पे तुम ए और बी का कोई भी वैल्यू डालो एलएचएस में और आरएचएस में, वो ऑलवेज इक्वल आएगा। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ वेरीफाई करके, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझे मेरे भाई। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए बी का कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू लोगे और वही सेम वैल्यू इधर भी डालो और सेम वैल्यू उधर भी डालो, क्लियर है, तो क्या आएगा, वो हमेशा सेम आएगा। तो इस तरीके के इक्वेशन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं।
ठीक है। चलिए देखिए, तो मैं क्या बता रहा था आपको, मैं आपको ये बता रहा था कि क्या बता रहा था हम इसको, जैसे मान लो कि हम ए बराबर टू ले रहे हैं और बी बराबर वन ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे रखोगे, देखो हमारा एल एच एस क्या कह रहा है, हमारा एल एच एस क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है। ए स्क्वायर बोलो, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए मतलब दो, हमने ए का वैल्यू दो लिया हुआ है और बी का वैल्यू क्या लिया हुआ है वन, तो दो का स्क्वायर कितना होगा चार में से एक कितना आएगा बोलो तीन आएगा। तो हमारा एल एच एस कितना आ रहा है, तीन आ रहा है। अब हम आओ बात करते हैं आर एच एस की, आर एच एस की, आर एच एस की वैल्यू डालो, आर एच एस हमारे पास क्या है ए प्लस बी इंटू, इसको बोलते हैं आर एच एस राइट हैंड साइड, समझे मेरे भाई। ए प्लस बी देखो यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ तुमको, ए प्लस बी, ए प्लस बी बोले तो ए का वैल्यू भी हमने कितना लिया हुआ टू और बी का वैल्यू वन लेके चल रहे हैं, दिस इज टू ठीक है भाई, और माइनस वन दिस इज थ्री इंटू वन, टू एंड थ्री इंटू टू में से क्या एक कितना आया तीन, तो देखो यहाँ भी तीन आ रहा है और यहाँ भी तीन आ रहा है ठीक है। अभी तो हमने ए और बी का एक ही वैल्यू लेकर के चेक किया है, अब कोई भी वैल्यू दस को वैल्यू लेकर के चेक करो ठीक है, उसे माना ही आना है। तो इस तरीके के जो इक्वेशन होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नाइन्थ क्लास में जब पढ़ेंगे ना बहुत सारा ही, अभी दस बारह को फॉर्मूला आएगा अल्जेब्रा में, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है ठीक है। तो सारा क्या है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, जो एल एच एस आर एच एस हमेशा बड़ा बनाता है। टेंथ क्लास में पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन होता है ठीक है। चलो तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, इस दोनों को प्रोडक्ट किए तो ये फॉर्मूला आ गया, और ये अपने आप में क्या है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है ना। अब आइडेंटिटी और इक्वेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी समझ में नहीं आया वीडियो को एक बार पीछे कीजिए, फिर से एक बार सुनिए मेरी बातों को ठीक है। ओके चलिए तो इसको मिटाते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो आप ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन चीजों पे थोड़ा सा काम करो है ना। यस एक्स बराबर मैंने चार वैल्यू डाला है, एक्स बराबर यहाँ पे चार ही सेटिस्फाई करेगा, केवल और केवल इसी यहाँ पे एक ही क्वेश्चन एक वेरिएबल सॉरी एक्स का एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, इसके अलावा आप यहाँ पे एक्स का कोई वैल्यू डालोगे ना तो एल एच एस आर एच एस बराबर आएगा क्या, नहीं आएगा, समझे मेरे भाई। ओके चलो आगे हम और कुछ बात करते हैं, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए ठीक है, और हम अब फैक्टराइज करके दिखाते हैं आपको इससे कितना मस्त तरीके से आपको फैक्टराइज करते हैं। देखिए आपको फैक्टराइज नहीं करेंगे भाई ठीक है, सवाल को फैक्टराइज करेंगे, आपको फैक्टराइज कर देंगे दिक्कत हो जाएगा। चल देखो क्या बात कर रहे हैं, बात यही कर रहे हैं कि हमको फैक्टराइजेशन करना है। जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे देखो यहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 36, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना है। हमने अब तक के वीडियो में आपको क्या बताया कि हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, अब तक के वीडियो में हमने सीखा कि कॉमन लेकर के फैक्टराइज करना सीखा। क्या हमको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे भाई, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, तो हम कुछ और दिमाग लगाएंगे ठीक है। हमको ये दिख रहा है कि क्या हम इसको ऐसा कर सकते क्या, इसको देख करके हमें कुछ ख्याल आया ठीक है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, क्या देखा, देखो इस सवाल को देखने के बाद हमको क्या ख्याल आया, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है, होता है कि नहीं भाई, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 36 है ना भाई। अब देखो इसको देख करके हमको इस क्वेश्चन ये जो है ना अभी हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है ना उसका ख्याल आने लगा, क्या आने लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बोलो भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझे। तो देखो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये अभी ये हमारा ए का काम कर रहा है मित्रों और ये हमारा बी का काम कर रहा है चित्रो है ना, याद रखिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो ये फैक्टराइज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया दिस इंटू दिस, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं है, मतलब गुणा के रूप में लिखा हुआ है, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फैक्टराइजेशन हो गया ठीक है, वेरी गुड। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम ये कह सकते कि 25 ठीक है एम स्क्वायर माइनस 36 वर्ड
थोड़ी सी रिक्स क्या, वाई नहीं एन स्क्वायर ले लेते, एम के साथ एन ज्यादा अच्छा लगता है कि नहीं, जैसे मोदी के साथ अमित शाह ज्यादा अच्छा लगता है ना। हाँ देखिए, तो यहाँ पे देखिए 25 एम स्क्वायर माइनस 36 एन स्क्वायर, इसको भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो कॉमन इसे कुछ है क्या, कुछ भी कॉमन ना है मेरा भाई, ठीक है, तो कॉमन से तो हम इसको फैक्टराइज करने से रहे है कि नहीं, कॉमन से हम इसको फैक्टराइज कर नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, समझे, वेरी गुड। तो जब कॉमन लेकर के फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे, देखो यहां पर देखो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 5m का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 एम स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है, ये 6 और ये क्या है n, 6m का होल स्क्वायर है कि नहीं, 6m का होल स्क्वायर, बोलो 6m का होल स्क्वायर। देखिए ये क्या होगा, ये अब इसको क्या बोलेंगे, इसको पूरा बोलेंगे a और इसको पूरा को क्या बोलेंगे b, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ए मतलब 5m हमारा ए है और 6m हमारा क्या है बी है। तो देखो दिस इंटू दिस, ये क्या हुआ, फैक्टराइजेशन हो गया मेरे यार। चलो देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखिए जैसे देखिए, देखिए मैं आपको एक बुक का क्वेश्चन लेकर के दिखाता हूँ आपको बना करके, 81 ये तो आसानी है, 16 2 2 5 b स्क्वायर। चलो ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 16 a square 2 to 5 b square, 16 a square, देखिए 16 ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 16 a square और कितना लिखा भाई, 2 to 5 लिखा हुआ क्या, 2 to 5 b square, 2 to 5 b square, आपको तनिक स्क्वायर पता होना चाहिए, समझे कि नहीं, नहीं पता है तो क्या कीजिए, पता कर लीजिए, ठीक है। देखिए इसको क्या है, देखो आपको पता है, इसको लिख सकते 16 किसका स्क्वायर है, 4 का है ना, तो इसको लिख सकते 4a का होल स्क्वायर, कैसे, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर, 16 स्क्वायर, सही है। यहाँ पे आ जाओ 2 to 5 b square, इसको लिख सकते 15b का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा देंगे ये फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए हमारा ये है 4a और बी हमारा क्या है 15b है, समझे समझे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया। चलो एक और थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन लेते हैं और आपको बताते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि जैसे मेरे को क्वेश्चन नजर आ रहा है कि चलो 20a square 45b square है ना, 20a square 20a square and 45 45 b square, कैसे करेंगे इसको फैक्टराइज। इस बार देखो इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात यही है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो सीधा सीधा तुमको फैक्टराइजेशन इसको हम अरेंज नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, है ना। जैसे 16 है 4 का स्क्वायर, 225 था 15 का स्क्वायर, 36 है 6 का स्क्वायर, ऐसा ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है ना, तो इसको मैं ये स्क्वायर बनाने में सक्षम नहीं है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, देखो हमको इसमें और इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है ना, अगर हम इसमें से कुछ नंबर बाहर निकाल देना तो ये बन जाएगा, कैसे बाहर निकाल के, तो देखो देखो दोनों में क्या है 5 है ना, तो जैसे आप इसमें से 5 को बाहर निकालोगे तो अंदर में क्या दिखेगा आपको, अंदर में आपको दिखेगा क्या 4a square और माइनस 9b square, ठीक है। ये हमने सीखा हुआ है, कॉमन लेने वाला चीजें हमने प्रॉपर तरीके से सीखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए मेरे भाई दिस इज 5, अब देखो इसको अरेंज कर सकते हैं, इसको लिखेंगे क्या 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर, कैसा लगा मेरा मजाक। देखो अब क्या करें, ये हो जाएगा 5a plus b into a minus b, देखो दिस इंटू दिस इंटू दिस, 3 फैक्टर आपको यहां पे दिख रहा है,
दिस इंटू दिस इंटू दिस, सही है ना, समझ में आ गया बात आपको, दिस इंटू दे इज, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाया, एक बार आप इन सारे क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो, है ना, बढ़िया है, आसानी हो प्रैक्टिस करने में, ठीक है मेरे भाई, गुड। आगे बढ़ जाए क्या, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है मित्रों। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमारे चैनल पे आकर के मैथमेटिक्स को आसान तरीके से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, इसको जल्दी से रब करते हैं, इंग्लिश वाला नाम, ठीक है, हिंदी वाला नहीं। ओके मित्रों, ठीक है, आइए आगे बढ़े, आगे बढ़ी मेरे भाई, आगे बढ़ो मेरे भाई, नहीं तो कह दूंगा मैं तुझे कसाई, समझे, और तुम फाड़ोगे गर्मी में रजाई। देखिए अगला क्वेश्चन हम क्या बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, फिर आएगा और भी ज्यादा मजा, सही है ना। जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ 2a + 3b का होल स्क्वायर, 16c का होल स्क्वायर, 2a + 3b का होल स्क्वायर, 2a + 3b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 16c का होल स्क्वायर, है ना भाई, 16c का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए 16c का होल स्क्वायर करना है, फैक्टराइज, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट स्लॉट का पहला क्वेश्चन। ओके मित्रों, तो देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे मेरे भाई, अरे अब देखो इसको फैक्टराइज करना है, हाउ कैन वी डू इट, हाउ, कैसे कर सकते हैं। अब देखो इसको यहां पे लड़का देखेगा इस क्वेश्चन को, तो भैया इसको तो 4c का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लड़का तो ख्याल आएगा चलो इसको a + b का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, ऐसा ख्याल आपके दिमाग में आ सकता है। हम कह रहे हैं भाई ऐसा क्यों करें, हम इस पूरा को क्यों ना a बोल दें, इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी है इस पूरा को ही a बोल देंगे, ठीक है, तो ये हमारा a हो गया, a हमको मिल गया, a स्क्वायर मिल गया, ठीक है, हमको क्या मिल गया, a स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 4c का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या मिल गया, b मिल गया, बताओ कितना मजा आ गया, ये हमारा a है, ठीक है, ये हमारा a है, इसको हम a मान लिए, और इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया भाई, b मान लिया, a स्क्वायर, ये हुआ देखो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, क्या लगा देंगे, a + b (a - b), क्या लगा देंगे, a + b (a - b) लगा देंगे, सही है, वेरी गुड। देखिए क्या करें, a + b मतलब क्या, ये पूरा a है, दिस इज a, ठीक है, a + b (a - b) a - b, ठीक है, देखो a + b (a - b) क्लियर है, दिस इंटू दिस हो गया तो फैक्टराइज हो गया, यही आपके सवाल का आंसर है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आपको, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलिए क्या खास बात आपके लिए, मैं कुछ और खास खास सवाल आपके लिए, खास आदमियों के लिए लेकर के आया हूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करके देखते हैं, ठीक है। एक बार जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सोचने का सही तरीका, पैटर्न्स, है ना, आपका दिमाग सही से काम करने लग गया ना, तो फिर तो भैया मजा ही आ जाता है, समझे कि नहीं। ओके आओ कुछ और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है, और सवाल के साथ थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, क्वेश्चन के साथ थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहे, तो हमारा अगला क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन सब तुम कर सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन तुम्हें ये बता देना चाहिए, ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, 2x 5y, ठीक है, 2x 5y का होल स्क्वायर, ओके, और -1, ऐसा लिखा हुआ है। ओके सर, यहाँ थोड़ा लफड़ा हो गया, ठीक है ना, अरे भैया लफड़ा कुछ नहीं है, देखो कैसे नहीं लफड़ा है, फिर से देखो इस पूरा को a बोलेंगे, ओके सर b स्क्वायर तो है ही नहीं, मेरा भाई लिख सकते हैं 2x + 5y, ठीक है, और इसको 1 का स्क्वायर, देखो ये लफड़ा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, समझ गए, तो अब इसको क्या बोलेंगे, a बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, b बोलेंगे, a² - b² लगा दो, a + b (a - b), a + b, a + b (a + b) (a + b) (a + b), ठीक है मेरे भाई, हो गया, तो इसमें कुछ खास बात नहीं था, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं,
अगर आपको बी का स्क्वायर नहीं दिखा तो दिख जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। हम ऐसा कुछ जुगाड़ करते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना होना चाहिए। आइए कुछ और भी इंटरेस्टिंग सवाल लेते हैं आपके लिए, ठीक है। यहां पे हम इस आइडेंटिटी को थोड़ा सा मिटाते हैं, समझे मेरे भाई, आ जाओ हम इस जगह का इस्तेमाल करेंगे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, एल प्लस एम का होल स्क्वायर, यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, एल प्लस एम का होल स्क्वायर, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर, क्लियर है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हम इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ने नहीं जाएंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ने नहीं जाएंगे, इस पूरे अंदर वाले को ए बोलेंगे और इस अंदर वाले को नहीं, अंदर वाला, इस अंदर वाले को क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा हमारा ए हो गया, ये पूरा हमारा क्या हुआ, बी हो गया, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए ए प्लस बी लगाइए, ए प्लस बी, ए प्लस, ये हमारा ए है, ए प्लस का बी, प्लस का बी, ए प्लस बी, ये हुआ ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज ए। अब बी के पहले माइनस लगाना है, समझ रहे हो ना, बी के पहले क्या करना है मेरे मित्रों, माइनस लगाना है। तो देखो माइनस बी को हम ऐसा लिख देते हैं, बी के पहले माइनस लगा देते हैं, ठीक है, एल माइनस एम, ठीक है, ए प्लस बी तो ठीक है, ए माइनस बी के पहले क्या लगा था, माइनस, क्योंकि दो को टाइम टर्म है ना, तो दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ जाओ ए, अब देखो यहां पे इसको सिंप्लीफाई करते चलते हैं, एम से एम कट गया, क्या आया, एल एम और एल, एगो एल, एगो एल, कैगो एल, एगो आम, एगो आम, कैगो आम, दो आम, एगो एल, एगो एल, कैगो एल, दो एल, टू एल। मैंने आपको अलजेब्रा का बेसिक भी सिखाया हुआ है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको तकलीफ है आप जाइए हमारे चैनल पे और प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कीजिए, आपको जरूर से वो चीज आ जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, और तभी दे सकता हूँ जब आप उसको देखोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई कसर रह गया तो फिर आप हमसे कॉन्टेक्ट करोगे, ओके, बहुत ही आसान और ईजी भाषा में। यहाँ देखिए अब हम क्या करें, यहाँ पे बी के बारे में हमारा क्या ख्याल, चलो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बी को, एल प्लस एम है इधर, इधर देखिए माइनस एम लगा दीजिएगा, माइनस एल और प्लस एम हो जाएगा, है ना मित्रों। तो देखो इस बार एल, इसमें एल कैंसिल आउट हो गया, तो एम एम क्या आएगा, टू एम, दिस इज टू एल एंड दिस इज टू, टू क्या, एम, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ, टू टू जो फोर, इसको लिख सकते टू इंटू टू इंटू एल इंटू एल इंटू एम, ये सब इसके फैक्टर है, समझ रहे हो, इसको लिख सकते एक साथ फोर एल एम, ठीक है, यस, समझ जाए के बाद फोर एल एम आएगा, क्या आएगा, फोर एल एम आएगा, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। थ्री फैक्टराइजेशन है, बहुत सारे फैक्टर दिख नहीं रहा है, दिस इंटू दिस इंटू दिस फैक्टर है मेरे भाई, समझ रहे हो तुम, गुड आइडिया, चलो आगे बढ़े क्या, जब इसको इसको फैक्टर बोल सकते हो, इधर को वो भी फैक्टर हो जाएगा, सही है, सब फैक्टर है। कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, है ना। आई होप आपको मजा आ रहा होगा हमारे साथ, आपको आप फैक्टराइजेशन के इस चैप्टर को, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन चैप्टर को एंजॉय कर रहे होगे, अरे कैसे नहीं करेंगे यार, हम तो है ना, इतना आसान तरीके से आपको फैक्टराइजेशन सिखा देंगे, आपको मजा ही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो हम कुछ और बात करते हैं, देखिए क्या बात करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्या कोशिश कीजिए, देखिए कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ मजेदार क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन का लुत्फ लेते हैं, मजा उठाते हैं, ठीक है, इसमें क्या मजा रखा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर है, माइनस टू वाई, ओके, और माइनस वन, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखकर के क्या ख्याल आ रहा है, इस क्वेश्चन को देखकर के कुछ ख्याल आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप और तू घना छाया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लेकर के क्या ख्याल आ रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, आपके अंदर कुछ ख्याल आना चाहिए, कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ओके, कैसे कर सकते हैं फैक्टराइज, देखिए जरा कैसे कर सकते हैं फैक्टराइज, आसान है, बस आपको दिखना चाहिए, ये चीजें दिखना चाहिए, ठीक है, कि हम इसको कैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब सोचोगे भैया इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ए प्लस बी लगा देंगे, तो इधर भैया ये क्या बचेगा, माइनस के फॉर्म में आपको दो को टर्म बचेगा,
तो क्या फैक्टराइजेशन हो पाएगा? सारे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन के टर्म में आ जाएंगे? नहीं आएंगे, सही है ना, चार टर्म है, एक दो तीन चार, ठीक है। मैंने आपको बताया कि माइनस प्लस क्या करता है, टर्म बनाता है, तो चार टर्म है टोटल, ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम क्या करें, यहां तो थोड़ा पंगा हो गया। देखो हम आपको बताते हैं कि अगर आप देखो इसमें से हम इसको माइनस ले लेते बाहर, ठीक है, इस माइनस को हमने देखो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस, इसमें माइनस है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमको क्यों दिख रहा है, आपको भी पता चलेगा, ठीक है। अगर इस तीनों में से माइनस को बाहर खींच लिए, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, वापस से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा, ठीक है, मिलना ही चाहिए, ठीक है। इसको देखिए मैं थोड़ा अरेंज करता हूँ, इसको तो हमें एक्स स्क्वायर लिख दिए, हमारा टारगेट क्या है कि हम सोच रहे हैं कि क्या हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, तो जब हमारे कि हाँ भाई लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो तो सही, चश्मा पहन कर किया उतार के देखिए, ये माइनस, यहाँ पे ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये है आपका दिस, ठीक है, ये है आपका दिस, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ी ब्रैकेट ले लेता हूँ, है ना, बड़ा वाला, लार्जर वाला, है ना, यहाँ देखिए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ओके, एंड व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट टू ए बी, है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, क्या होता है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो ये आपका देखो क्या है, एक्स का स्क्वेयर है, और इसको ले सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। अब देखो, अब देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये हमारा बी अंदर वाला, तो ए प्लस बी लगाइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए और बी के पहले माइनस लगाना है, समझे कि नहीं, बी के पहले अगर तू माइनस लगा दोगे मेरे मित्रों, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई और माइनस वाई, ठीक है। देखो दिस इंटू दिस, बोलो फैक्टराइज हुआ कि नहीं हुआ, एकदम हो गया, सही है। तो फंडामेंटल बेसिक थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन चेंज होगा, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपको थोड़ा भी दिक्कत ना होगा, अगर प्रेम से, अगर एक बार आसानी से है ना, अगर आप हमारा वीडियो देख लिए ना और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो फंडामेंटल्स तो आपके इतने बढ़िया क्लियर हो जाएंगे जिसका हदों हिसाब नहीं है, ठीक है। आइए कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं, है ना बच्चों, हो यहाँ भी वही बात है, लेकिन मैं क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का है, मैं क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को बस क्वेश्चन की तरह देख रहा हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ही देखो, है कि नहीं, बड़ी बात है भाई। देखिए 3x - 4y, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, 3x - 4y का स्क्वायर माइनस 25z का स्क्वायर, ये क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि भैया इस पूरा को ये मानो और इसको क्या ले सकते हैं, 5z का होल स्क्वायर, ये 5z है, इसका स्क्वायर है ना, तो 5z का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लोगे, है कि नहीं, रत्ती भर भी दम नहीं है, क्लियर। फिर इसको मैंने लिखा क्यों, अरे भाई मैंने लिखा ही क्यों, चल एक और भी क्वेश्चन बना के लिखाते हैं आपको, 24 में 24 लिखने वाला था, कोई और क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपका कहता है 25a का स्क्वायर, 25a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर माइनस, नहीं प्लस 28bc, ओके, माइनस 49c का स्क्वायर, माइनस 49c का स्क्वायर, ठीक है, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे वहां पे चार फैक्टर है ना, हम कॉमन लेने के लिए बैठे, इसमें अगर हम कॉमन लेंगे तो ये दोनों छूट जाएगा, कुछ उसमें कॉमन ही नहीं है, समझ रहे हो ना आप, तो कॉमन फिलहाल तो हम ले नहीं सकते, कॉमन फिलहाल तो हम ले नहीं सकते, क्या करेंगे, देखिए हम, हमें कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे बी सी लिखा हुआ है, यहाँ पे बी है स्क्वायर है सी स्क्वायर है, तो हो सकता है कि ये क्या लिखा हुआ हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ हो, कैसे, कॉमन लेकर के देखेगा तो दिखेगा, इसको हम लिख सकते फिलहाल 5a का होल स्क्वायर, लिखते क्या, कोई तकलीफ है क्या आपको, क्योंकि हम दिमाग ये लगा रहे फिलहाल कि क्या हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो जब आ रहा है कि हाँ भाई लिख सकते तो है, कैसे लिख सकते, आ जाओ देख लेते हैं, अगर हम इसमें से इस सब में से माइनस बाहर निकाल दे, इसी में से क्यों निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे बी सी दिख रहा है और ये बी है सी है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4b का स्क्वायर, माइनस इसका बाहर निकल गया तो 4b का स्क्वायर, ये 28 हो जाएगा, है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस bc, और ये प्लस हो जाएगा 49c का स्क्वायर,
यहाँ पे थोड़ा झमेला है, इस झमेले को है ना मेरा में कन्वर्ट कर देंगे, समझ रहे हो ना क्या बात है। देखिए ये 5a का स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या 2b का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है 2b हाँ कि ना, ना इसको लिख सकते हैं 7c का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है मेरे भाई, इसको लिखा जा सकता है 2ab, देखो 2 दिस इज 2a एंड b 7 का c, देखो 2 × 4 428, ये वाला BC, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, आ जाओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है मेरे भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो ए दिस इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको अब आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, है कि नहीं। अब आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाइए, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस का बी प्लस का बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस का बी माइनस का, इसके पहले माइनस लगाना है, अभी मैंने आपको बार बार बताया, बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है, ओ सॉरी, देखिए यहाँ पे 2b माइनस 7c, ठीक है ना, तो इसके पहले हमको माइनस लगाना है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस नेगेटिव हो जाएगा और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, साइन उलट जाता है, तो ये 2b हो जाएगा आपका और ये क्या हो जाएगा 7c हो जाएगा, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने वाला है तो कर देंगे, नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है, दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी लगा दिए, ठीक है, देखो दिस इंटू दिस हो गया फैक्टराइजेशन। एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, आइए अब देखिए यहां पे क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन का यूज करके हम कुछ कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। जैसे अगर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपको दे दिया ना, थोड़ा सा अरेंज करके, जैसे 405 का स्क्वायर, ठीक है, देखो इस नंबर में खास बात क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से ये रेंज किया हुआ है, देखो 400, 300, 700, 700 और 800 है ना, 400 ये और 300 ये, 795 + 1 तो 100 वो भी हो गया है ना, तो कितना हो गया 800 हो गया ना भाई। अब देखो ये हमको दे रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एम प्लस बी इंटू माइनस बी के फॉर्म में बनाएंगे, कितना मजा आता है दिखाते हैं मैं तुमको, देखो क्या बनाओगे इसको, ए मान लो, तो कैलकुलेशन एक तो बेसिक तरीका क्या है कि इसका तुम्हें स्क्वायर करो, फिर इसका स्क्वायर करो, इसमें से इसको घटाओ, वो बेसिक तरीका हो गया, लेकिन हमने अलजेब्रा सीखा है तो इस फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको इसे देखें ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो इसका कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, ए माइनस का बी लगा दी क्या, देखो इसको अभी पता था, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 800, तो ये 800 यहाँ पे इंटू है तो इंटू लगा दो, ठीक है, और इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, है ना भाई, 10 का गैप है, 95 में 5 जोड़ेंगे तो 400 पड़ेगा और 5 और जोड़ दो तो बताओ कितना होगा, कितना जल्दी कैलकुलेशन हो गया, अगर तुम अभी इसका स्क्वायर कर रहे थे तो अभी हम इसका स्क्वायर ही कर रहे होते, समझ रहे हो ना, फिर इसका स्क्वायर करना सोचो कितना लंबा कैलकुलेशन हो जाता, लेकिन इसका इस्तेमाल करके हम कितना आसानी से इसको सॉल्व कर लिए, तो यही खूबसूरती है, समझ रहे हो ना, खूबसूरती है, दिस इज द ब्यूटी, ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, ओके ओके ओके। एक आध सवाल और लेते हैं, इसको जल्दी से मिटा देते, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो फ्रेम से, है ना, हाँ फ्रेम से नहीं मोबाइल से लेना, ओके ठीक है ले लिए क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हमें फीडबैक दीजिए, ठीक है, आप हमें फीडबैक दीजिए, समझे कि नहीं, फीडबैक का मतलब समझ लो ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, आप हमारे को कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट को प्रॉपर तरीके से देखेंगे और इसमें जो कमी है आपको लगता है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते नहीं करेंगे ही करेंगे, आपके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे, ठीक है, एक टीचर अगर स्टूडेंट के काम नहीं है तो फिर टीचर होने का फायदा क्या है, लानत है ऐसे टीचर पे, समझे कि नहीं। चलो तो मैं कुछ और भी क्वेश्चन लेता हूँ, एक डिफरेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं।
जैसे यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन है, बस नंबर में क्या है, पॉइंट का कैलकुलेशन है। जैसे 7.8 लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा हिसाब से ही बनाता हूँ ताकि मैं आपको कुछ और बता सकूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे समझिए क्या है, 7.8, ठीक है, इसका स्क्वायर और माइनस 2.2 का स्क्वायर, 2.2 का स्क्वायर, फिर से वही बात करेंगे। सही है ना भाई, अभी जो मैं आपको क्वेश्चन बताया नंबर वाला, एक तो एक बेसिक तरीका से आप 7.8 का स्क्वायर करो, फिर 2.2 का स्क्वायर करो एंड अगेन घटा लो, आंसर फिर भी आएगा। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि भाई अब हमने क्या सीख लिया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीख लिया है, तो ए प्लस बी लगा लो ना भाई, ए प्लस बी लगा लो और ए माइनस बी लगा लो, कैसा रहा बताओ। देखो इसको जोड़ेंगे तो 7 × 9 और 8 × 2 = 10, ये 1 हो जाएगा पॉइंट को तरफ, तो कितना हुआ 10, ये 10 है, 10 यहाँ पे इंटू है, 7.8 में से 2.2 घटा दोगे तो कितना आएगा 5.6 आएगा, मल्टीप्लाई करो 56 आएगा, दैट्स योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात तुम्हें, आई होप आपको मजा आ रहा होगा देख करके कि क्या भैया हम इतना आसान तरीके से भी बना सकते हैं। जवाब देखिए हाँ भाई एकदम ही बना सकते हैं, और क्यों नहीं बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मुझे दिखा लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, तो उस क्वेश्चन के बारे में मेरा ख्याल ये है, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है इस तरीके का, क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो आप उसको बना सको, हमें खुशी होगी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, और थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आप अगर सोच पा रहे हो तो, आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया उसके पीछे की फिलॉसफी को समझाया कि भैया फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, क्या करना है, कैसे हमको सोचना है। ठीक है, वो चीज़ें आपको, उस चीज़ों पे काम करो फिर आपको मजा आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया इस टाइप का सवाल बना लिए उस टाइप का सवाल बना लिए हो जाएगा, नहीं, फैक्टराइजेशन आखिर होता ही क्या है, हम करते ही क्यों है, क्या मतलब है उसका, मैंने हर चीज़ पर डिस्कस किया हुआ है इन द फर्स्ट लेक्चर्स। अभी हम क्या कर रहे हैं, हर टाइप बाई टाइप देख रहे हैं और उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम लगा सकते हैं। ठीक है, आ जाओ अभी देखो ये सवाल को देख करके क्या ख्याल आ रहा है तुम्हें, ए क्यूब है ना, यहाँ पे एक्स का क्यूब लिखा हुआ है लेकिन हमने तो एक्स स्क्वायर पढ़ा है। ठीक है, हमारे पास 2-3 तरीके हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो सीखा है फैक्टराइजेशन, जितना तक मैंने आपको सिखाया, एक तो जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ और पीछे जो मैं आप सिखा चुका हूँ, क्योंकि मैं बहुत सिस्टमेटिकली करा रहा हूँ आपको, तो वो चीज़ें पता होना चाहिए, पीछे जो हमने यूज कर लिया ना, यस वो वाला, ठीक है वो वाला आपको आना चाहिए, वो वाला उसके बारे में भी आपको एक बार ख्याल आना चाहिए, है कि नहीं। तो देखो क्या हम इसको इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें क्या ख्याल आ रहा है, ख्याल ये आ रहा है कि हमारे पास तो ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, यहाँ पे ए क्यू दिया हुआ है, लफड़ा है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ स्क्वायर नहीं होने वाला है। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा लेकिन इसका, तो हम बी स्क्वायर लिख नहीं पाएंगे। तो हम देखेंगे भैया कि यहाँ पे देखो एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, अगर हम ए को एक्स बाहर दोनों में से निकाल देना तो कुछ मजा आ जाएगा। कैसे मजा आ जाएगा, देखो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं क्योंकि इसमें से ए को एक्स बाहर निकल गया तो क्या बचा 25। अब देखो अब तुमको मजा आ गया होगा ना, इस इज एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया तुम्हें, ओके देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कीजिए।